भारतेंदु नाट्य अकादमी के अध्यक्ष रविशंकर खरे मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव एवं चौरी चौरा शताब्दी वर्ष के अंतर्गत भारतेंदु नाट्य अकादमी संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश एवं जिला प्रशासन द्वारा 4 जनवरी से 8 जनवरी तक योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक केंद्र में 5 दिवसीय आज़ादी का रंगोत्सव कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया जा रहा है। दोपहर 1 बजे से प्रारंभ होकर रात्रि 9 बजे तक चलने वाले इस कार्यक्रम में प्रेक्षागृह परिसर स्थित खुले मंच पर लोक नृत्य एवं लोकगीत के कार्यक्रम और दोनों प्रेक्षागृह में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुल 10 प्रतिष्ठित नाटक देश के प्रसिद्ध निर्देशक व नाटककार पुनीत इस्सर द्वारा निर्देशित नाटक महाभारत, संजय उपाध्याय द्वारा निर्देशित कंपनी उस्ताद, मनोज जोशी द्वारा निर्देशित चाणक्य, भारती शर्मा द्वारा निर्देशित खूब लड़ी मर्दानी, कुंवर श्याम महेंद्र सिंह द्वारा निर्देशित बापू अभी जिंदा है, रामजी बाली द्वारा निर्देशित चौरी चौरा संग्राम, मानवेंद्र त्रिपाठी व रविंद्र रंगधर द्वारा निर्देशित क्रांतिवीर, आज़ादी अभिषेक पंडित द्वारा निर्देशित बोधु अहिर एवं पद्मश्री मालिनी अवस्थी द्वारा निर्देशित मुक्तिदाता का मंचीय प्रदर्शन किया जाएगा तथा इस कार्यक्रम में सांसद रवि किशन भी नाटक में भाग लेंगे तथा लोगों के सामने अपनी कला को प्रदर्शित करेंगे। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जा रहा है, इसलिए नागरिकों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आकर निःशुल्क मंचीय प्रदर्शन का लाभ लें। इस अवसर पर जिला सूचना अधिकारी प्रशांत श्रीवास्तव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतेंदु नाट्य अकादमी के अध्यक्ष रविशंकर खरे ने कहा, इस संबंध में जो है यहाँ पे क्या क्या कैसे कैसे मनाया जाएगा इसके सारे विवरण बताने के लिए आज हमारे बीच में भारतेंदु नाटक अकादमी के अध्यक्ष श्री रविशंकर जी हैं, जो आप लोगों को सारा डिटेल बढ़िया से और अच्छे से बताएंगे। आप लोग को मैं रविशंकर जी को कहूँगा कि आप लोग सारा डिटेल खड़े यहाँ पे दर्पण संस्था और संस्कार भारती से जुड़ा रहा शुरू से बचपन से, इसलिए जितने ये नाट्य विभागी के अलावा और भी बहुत सारे कार्यक्रम संस्कार भारती के माध्यम से यहाँ पे हुआ। हमारे साथ में मनोज गौतम जी हैं जो इस कार्यक्रम के नोडल अधिकारी हैं गोरखपुर में, और हमारे यहाँ एक वरिष्ठ कलाकार हमारे और आचार्य जी माननीय आचार्य जी सभी परिचित हैं, अजीत विवेक, ये लोगों को दुक्कड़ नाटक का भी दिया गया है काम। तो ये आज़ादी का जो रंग उत्सव है ये पूरे देश में और कोशिश ये की जा रही है कि हर जिले में हो, और काफ़ी उससे हम चूँकि हमारा प्रदेश इसमें बहुत अग्रणी है, क्योंकि चौरी चौरा से भी इसको जोड़ा गया है, चौरी चौरा की 100वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है शहीदों की, तो उससे भी जोड़ा गया इससे, तो इसलिए हमारे योगी जी जो हैं इस मामले में बहुत ज़्यादा सतर्क हैं कि कोई जिला छूटने ना पाए और हर जगह कार्यक्रम हो। नाटक का जो भार है वो भारतीय नाट्य अकेडमी को किया जाए नाट्योत्सव करने का, एक अखिल भारतीय लेवल का, तो ये अब मेरा सौभाग्य था कि मैं उसमें वहाँ पे अध्यक्ष भी हूँ, और मीटिंग में होने की वजह से प्रेस किया गया कि ये गोरखपुर में ही हो कार्यक्रम, तो ज़्यादा अच्छा होगा, और जिससे कि योगी जी का जो सपना है हम पूरा करने के सक्षम हो। कार्यक्रम तो हमने 7 दिन का बनाया था, लेकिन काटते काटते इसे 4 दिन का किया गया, फिर 4 दिन से फिर बहुत मुश्किल से हमने 5वां दिन और बढ़ाया है। जो धन भी आवंटित हुआ था वो भी चूँकि कोरोना आ गया है इसलिए सब लोग बहुत डरे हुए हैं कि इसको शॉर्ट किया जाए किसी तरह से, इस वजह से, लेकिन हम लोग कार्यक्रम करेंगे और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, और इस वजह से कि बड़ा हॉल है, इतना दूर है शहर से, भरेगा कि नहीं भरेगा, और लेकिन जो हम लोगों ने चुनाव किया है वो इतने बड़े बड़े नाटकों का चुनाव किया है जो इंटरनेशनल लेवल के हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नाटक हैं। दूसरे जो मझले नाटक हैं उनका हम 4 से 6 बजे तक के स्लॉट में रखे हैं, उनको भी रखा गया है, क्योंकि वो बराबर नाटक से ही नाट्य विधा को बढ़ाने में काम कर रहे हैं, और फिर हमने बाहर लोक कला के टीमें भी बुलाई हैं, लोक कला और गायन और नृत्य दोनों हैं उसमें, करते रहेंगे,
आप सब बंधुओं से निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें, प्रचारित करें, जिससे कि इतना दूर जो बना हुआ है ये ऑडिटोरियम, और लेकिन बहुत खूबसूरत है, लेकिन भरने के लिए दूरी बहुत मार देती है इसको। खास तौर से नाट्योत्सव हमने किए हैं, बहुत सारे नाट्योत्सव। लाइट सफिशियंट है। अंदर जगह पे होर्डिंग्स लगी हैं शहर में बड़ी बड़ी। महोत्सव पूरे प्रदेश, पूरे देश में मनाया जा रहा है, उसमें नाट्योत्सव के लिए गोरखपुर चुना गया और गोरखपुर में 5 दिवसीय नाट्य समारोह किया जाएगा जिसमें 10 नाटक होंगे। कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे, किस तरह का नाटक होगा? इसमें मनोज जोशी का नाम सुना होगा आपने, चाणक्य नाटक बहुत प्रचलित है, उसके करीब 1200-1500 शोज हो चुके हैं। उसके बाद उन्हीं का एक नाटक दूसरे दिन भी है जिसमें वो एंकरिंग कर रहे हैं, वो है बापू अभी जिंदा है, वो श्यामेन सिंह जी का डायरेक्टेड है और दिल्ली का है वो नाटक, दिल्ली से। उसके बाद एक नाटक है महाभारत, जिसने देखा होगा महाभारत, उसमें पुनीत दुर्योधन की भूमिका में पुनीत इस्सर जी को देखा होगा, गोपी पेंटल को देखा होगा और पाल जी थे उसमें, नवीन पाल, इन तीनों एक्टर का मिला करके वो नाटक तैयार हुआ है महाभारत। वो 2-2.5 घंटे में कोशिश करते हैं कि पूरे महाभारत की हम दिखाएं उसको। साथ ही मालिनी जी का एक जप्तशुदा गीतों पे एक नृत्य बैले है पूरा, वो 8 तारीख को। इसका कोई चार्ज भी लगेगा? इसका कोई चार्ज भी लगेगा? नहीं, सारे कार्यक्रम निःशुल्क हैं और दोनों ऑडिटोरियम मिला करके है। 4:30 बजे से होगा छोटे ऑडिटोरियम में और 6:30 बजे से होगा बड़े ऑडिटोरियम में, ये दोनों ऑडिटोरियम मिला करके है। माननीय सांसद जी भी, रविकिशन जी, वो भी एक नाटक 8 तारीख को करेंगे एकल अभिनय में। गुंडा एक नाटक है लिखा हुआ जयशंकर प्रसाद जी का, उसको एकल अभिनय में करेंगे वो। साथ ही हम लोक कला के 5 दिन तक लोक कला के नृत्य और गीत जो हमारे गोरखपुर के और अगल बगल के लोग हैं उनको भी हम मंच दे रहे हैं। नुक्कड़ नाटक में हमारे करीब 70 बच्चे पूरे 7 टीमों में 70 बच्चे हैं और जो पूरे शहर में 5-6 दिन में मिला करके करीब 70 जगह पे नाटक करेंगे वो। तो इस तरह से पूरे नगर में रंगोत्सव का एक उत्साहजनक वातावरण बनाने की चेष्टा है। इसे भारतीय नाटक एकेडमी का चूँकि सौभाग्य कि चूँकि नाटक से जुड़ा हुआ था और वहाँ अध्यक्ष होने के नाते मैंने कोशिश की कि ये कार्यक्रम गोरखपुर में हो, तो ये आज मुझे सौभाग्य है कि ये गोरखपुर में कार्यक्रम हो रहा है। कोई अपील लोगों से? अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अवसर को हमारा सफलीभूत करें और हॉल दोनों भरे रहें, बाहर के लोक नृत्य और लोक गीत संगीत भी सुने और भारत का रंगोत्सव ये उत्सव है हमारे लिए, इसलिए ये भावना जानी चाहिए कि हाँ रंगोत्सव मनाया जा रहा है, कलाकारों के द्वारा रंगोत्सव मनाया जा रहा है, उसमें सहभागिता पूरे समाज की होनी चाहिए।